हाय फ्रेंड्स, सनमार्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री की सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू। इन पार्ट टू वी आर गोइंग टू स्टडी अरहेनियस थियरी ऑफ आयोनाइजेशन, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट एंड कॉजेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट थियरी ऑफ आयोनाइजेशन। द मेन पॉइंट्स ऑफ अरहेनियस थियरी आर द फॉलोइंग। नंबर वन, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर नोन एज आयन। सबसे पहले अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर एसिड है, से फॉर एग्जांपल HCl, वो पानी के अंदर डिसॉल्व है, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो HCl इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड केटाइन दैट इज H+ एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन दैट इज क्लोरिन माइनस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन्स। द कैटाइन्स एंड एनायन्स कैरी इक्वल बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि फ्रेंड्स, जितने कैटाइन्स फॉर्म होंगे उतने ही एनायन्स फॉर्म होंगे, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव होगा, दूसरे के ऊपर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। द थर्ड वन इज Ions are electrically charged atoms or radicals. The quantity of electric charge is equal to the valency of the atom of a radical. Now friends, what is radical? Radical is nothing but group of elements remains together in the systems. Now, वो जो particular charge है, single charge, double charge, वो किसके ऊपर depend करता है? वो depend करता है valency के ऊपर। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की वैलेंसी दो है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, दो चार्ज, यानी कि दो पॉजिटिव हो सकता है या फिर दो नेगेटिव हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी हम लोग ये बोल सकते हैं, द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज यूनिवेलेंट, बायवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द फोर्थ थियरी इज आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आयन्स कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट each other and form neutral molecule. Friends, this is most important. Ionization is a reversible process. अगर मान लो हमने कोई भी particular substance को split किया और which is converted into positive and negative ion, अगर वहाँ पे कुछ suitable conditions पे मिली, तो positive ion negative ion के साथ combine होके जो original form में था वो original form में वो आ सकता है। Fifth theory is the physical and chemical properties of the electrolytes depends upon the nature and concentration of the ion they give rise. जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्योरली डिपेंड है कि उसका कैसा नेचर है और उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है। सिक्स वन, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। The electrical conductivity increases as ionization increases. Friends, अगर हम लोग बात करें electrical conductivity की, electrical conductivity मतलब अगर मान लो कोई particular electrolyte के अंदर हम लोग electric current pass करते हैं और वहाँ पे कितना fast current वहाँ से pass हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे electrical conductivity. Now, electric conductivity is purely depends upon number of ions present in the solution. Number of ions मतलब कितने positive ions और कितने negative ions. अगर number of ions वहाँ पे ज़्यादा है तो उसकी electrical conductivity ज़्यादा है. Seventh, the degree of ionization of different electrolytes is different. It depends upon the following factor. Degree of ionization means कहाँ तक हमारी रिएक्शन हो सकती है, 50%, 60%, 70%, विच इज डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। वन इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। नॉर्मली आयोनाइजेशन यूजुअली इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन and at a particular dilution equilibrium is attained when the rate of ionization equal to the rate of formation of the neutral molecule. Dosto, ye bahut hi important hai. Normally kya hoga, koi bhi chemical reaction aisi hogi,
अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगी जब डाइल्यूशन आपका इंक्रीज होगा। एट पर्टिकुलर डाइल्यूशन इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश, मतलब योर रेट ऑफ आयोनाइजेशन इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना आयोनाइजेशन का रेट है उतना ही रिवर्सिबल रिएक्शंस का रेट है, यानी कि NaCl में से Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है। एट द सेम टाइम Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके अगेन इट विल कन्वर्टेड इनटू NaCl। वो जो पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयोनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज HCl, H2SO4, NaOH, KOH। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इट डजंट आयोनाइज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, दैट इज NH4OH एंड KOH। थर्ड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मली फ्रेंड्स सॉल्वेंट आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे तो वो होगा H2O, बट देर आर अदर सॉल्वेंट ऑल्सो पॉसिबल, से फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल लाइकवाइज। फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ अदर आयन्स। अगर मान लो हमारी सिस्टम के अंदर ऑलरेडी पर्टिकुलर आयन्स प्रेजेंट है, इट मे अफेक्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। द आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों बेसिकली इट इज अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड रूल फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इफ योर टेम्परेचर इज हायर, योर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो हायर। द सेम इज एप्लीकेबल फॉर द आयोनाइजेशन रेट कॉन्स्टेंट, वी कैन से आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट। When the rate of ionization becomes equal to the rate of formation of neutral molecule, equilibrium is established. The rate constant for the following reactions can be given as under: KCl is converted into K plus and Cl, and this K plus Cl minus is again converted back to KCl. The rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction. This particular condition is known as equilibrium condition. अगर मान लो हमको equilibrium constant K को find करना है, तो concentration of K multiplied by concentration of chlorine divided by concentration of KCl. This particular ratio वो हमको देगा equilibrium constant K. Equilibrium constant K is nothing but it is a ratio of product of concentration of product divided by concentration of the reactant. Now friends, causes of ionization. Ionizations होने का main reason क्या है? When electrolyte is dissolved in water or solvents with a high dielectric constant, the electrostatic force among the atom in the substance will be diminished. You can say vanished, with the result of attraction between the atoms is reduced and formation of ions takes place. दोस्तों ये बहुत ही important चीज है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो हम लोग simple language में बात करें, तो अगर कोई particular electrolyte है, say for example NaCl, उसके अंदर जब हम लोग electric current pass करते हैं, तो Na और Cl के बीच एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होता है। वो फोर्स जो होता है उसकी वजह से Na और Cl कंबाइन रहता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, Na और Cl के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो रिमूव होता है। उसकी वजह से हमको दो तरीके के आयन्स मिलते हैं, वन इज कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन। तो यही रीजन है आयोनाइजेशन होने का।